आज हम जो कार के बारे में बात करने वाले हैं उसमें जो सोर्स यूज हो रहा है वो बहुत ही नया है हम लोग के लिए, जो आगे चल के फ्यूचर में शायद बहुत ज़्यादा यूज होगी। जैसे कि जब पेट्रोल थी, डीजल थी, उसके बाद भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को हमने अपना लिया है। जैसे कि अभी इलेक्ट्रिक इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है, वैसे ही एक टाइम ऐसा है कि जहाँ सोलर पावर का यूज़ किया जाएगा। हाँ जी, ये अब रियलिस्टिक होने वाला है। एक हम्बल वन बोल की कंपनी है जो कैलिफोर्निया बेस्ड एक स्टार्टअप कंपनी है, जिन्होंने पिछले साल ही ये इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो दुनिया है उसमें एंट्री ली थी। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट कार दिखाया था। हालांकि आपको शायद पता ना होगा कॉन्सेप्ट कार क्या होता है। कॉन्सेप्ट कार क्या, कॉन्सेप्ट ये है कि ये कार को यूज नहीं किया जाता है। कार मेकर इसको बनाते हैं सिर्फ डिजाइन और टेक्नोलॉजी को बताने के लिए कि हम फ्यूचर में क्या यूज करने वाले हैं। इसके बाद ये कार शायद उनके म्यूजियम में रह जाती है या उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं उन लोग, कार मेकर टू मेकर ये डिपेंड करता है। तो जैसे कि ये हम्बल वन, तो हम्बल वन ने सोलर पावर एसयूवी का इंट्रोड्यूस किया है। ये उन्होंने ये दिमाग में रखकर किया कि फ्यूचर में यूज होने वाली कार्बन न्यूट्रलिटी को जैसे वो टैकल कर सके। जैसे पेट्रोल डीजल इलेक्ट्रिक इतने ज़्यादा यूज हो रहा है, वैसे ही उन्होंने सोचा है कि सोलर पावर भी फ्यूचर में बहुत ज़्यादा यूज होगा। इसलिए इन्होंने सोलर पावर का यूज करते हुए अपने कार को बनाया है। और इनका दावा है कि ये कार सोलर पावर 96 किलोमीटर का रेंज देगी। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में कि ये कार में क्या क्या खूबियां होंगी। उसके लिए हमारे संग ये वीडियो में बने रहें, वीडियो को लास्ट तक देखें। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक बासवर, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लच व्हील्स। जो नया चैनल में जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन को भी दबा दे। हम्बल वन पहली पैसेंजर व्हीकल नहीं है जो वर्ल्ड में ये टेक्नोलॉजी की यूज करता हो। इससे पहले हमने ये टेक्नोलॉजी यूज करते देखा है ह्यूंडई सोनाटा और कर्मा रेविरो में। ये कार इसलिए अलग है क्योंकि इन्होंने ये सोलर एनर्जी को कार के रूफ में यूज किया है। इनका मानना है या इनका दावा है कि ये आपको 96 किलोमीटर पर डे की रेंज देगी एक बार चार्ज करने पर। हालांकि ये रेंज काफ़ी है डे टू डे कम्युनिकेट करने के लिए। आप अगर डेली चलाते हैं उस कार को तो ये आपके लिए बेहतर ऑप्शन होगी। मगर देखने की बात ये है कि ये कार जैसे वेरियस वेदर में, वेदर अगर जब चेंज होगी जैसे कि बारिश की मौसम हो या ठंडी की मौसम हो, तब ये सोलर एनर्जी को कैसे ये यूज़ करते हैं और कार इस वेदर में कैसी चलती है। अगर इसकी डिज़ाइन के ऊपर हम बात करें तो जैसे कि ये कार एक अर्ली कॉन्सेप्ट कार है इसके डिज़ाइन को बताने के लिए, तब भी ये डिज़ाइन जो इन्होंने बनाया है वो है एक लंबी रूफ लाइन जो एंटायर कार को कवर करती है, जिसमें आपको सोलर एनर्जी रूफ के ऊपर मिली जाएगी। ऊपर से स्लिम एक एलईडी हेडलाइट यूज किया गया है जैसे कि कार स्टनिंग लगता है। और ब्लैक एलॉय व्हील्स का भी इसमें यूज किया गया है एक मैसिव टायर के साथ, जैसे कि कार को आपको अच्छा ग्रिप मिले और कार देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखे। ये अर्ली कॉन्सेप्ट कार है, मैंने पहले ही बता दिया कॉन्सेप्ट कार का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो एक्चुअल जब प्रोडक्शन होगी ये कार, ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा चेंज होगी, शायद ये डिज़ाइन रहे भी नहीं, सिमिलर होगी कार। कॉन्सेप्ट और रियल कार में बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है, मगर कॉन्सेप्ट कार को इसलिए दिखाया जाता है कि इसमें जो डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है वो रियल कार में भी होगी जब ये प्रोडक्शन होगी। तो देखते हैं कि इसकी डिज़ाइन प्रोडक्शन होने के बाद कैसी लगती है। ये हम्बल वन में आपको 80 स्क्वायर फुट का एक रूफ लाइन मिलेगा जहाँ पर सोलर एनर्जी को इंस्टॉल किया गया है। ये सोलर एनर्जी को पीवी सेल जो ये 80 स्क्वायर फीट की पीवी सेल है वो इनफ है एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए। यही एनर्जी इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करती है जिसके वजह से हमको 96 किलोमीटर का पर डे का रेंज मिलता है। कंपनी ये भी दावा करती है कि एक बार फुल चार्ज करने पर ये कार आपको 805 किलोमीटर तक रेंज देगी, दावा करती है। अभी एक्चुअल आने में बाकी है। और इसका मैक्सिमम पावर आउटपुट होगा 1020। इसे एरोडायनेमिक डिजाइन किया गया है। तो अगर ये लॉन्च हुई तो ये वर्ल्ड की फर्स्ट ऐसी कार होगी जो इतने अच्छे से एरोडायनेमिकली डिजाइन किया गया होगा। अभी से यूएस में इसकी बुकिंग स्टार्ट होने लगी है।
रफली 146 करोड़ लोगों ने अभी तक इसको बुक कर दिया है। अंदाजा यही लगा जा सकता है कि ये कार 2024 के पहले लॉन्च नहीं होगी। अगर ये लॉन्च हुई तो ये पहले तो यूनाइटेड स्टेट में होगी, जैसे कि वहीं की ये स्टार्टअप कंपनी, उसके बाद ही इंटायर ग्लोब में इसका लॉन्च किया जाएगा। तो हमको वेट करना पड़ेगा 2024 तक। ये बहुत जल्दी होगा कि इसके प्राइस के ऊपर हम बात करें, लॉन्चिंग प्राइस के ऊपर, क्योंकि हमारे पास डेटा कम है। जब तक ये पूरी तरह से लॉन्च नहीं होती तो हम इसकी प्राइस नहीं बोल सकते, मगर एक अंदाजा ये लगा सकता है कि कंपनी ने भी जो छोटा मोटा स्पेसिफिकेशन दिया है उससे ये दावा लगा जा सकता है कि इसकी प्राइस इंडियन करेंसी में अगर देखा जाए लगभग 80-85 लाख तक जाएगी। तो इतनी महंगी होगी ये कार? हाँ, सोलर एनर्जी है, नई टेक्नोलॉजी है। देखा जाए कि जब ये कार एक्चुअल में लॉन्च होने पर इसकी स्पेसिफिकेशन पूरी तरह से जब डिटेल्स आएंगे हमारे पास, ये कार कैसी बिल्ड क्वालिटी है, सेफ्टी कैसी है, उसके बाद ही हम बता सकेंगे कि ये प्राइस फेयर है या अनफेयर। तो आप ये सोलर एनर्जी एसयूवी से कितने खुश हैं ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये जो पावर या सोर्स यूज़ हो रहा है, पहले पेट्रोल डीजल, उसके बाद इलेक्ट्रिक, ये सोलर, ये जो कन्वर्शन हो रहा है धीरे धीरे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, ये आपको कैसी लगी है कि आपके इसके बारे में क्या ओपिनियन है? ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है, कि इससे कार के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेंगे, ये सारे चीज़ हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर हम एक डिटेल वीडियो बनाएं तो ज़रूर अपना थॉट्स हमें कमेंट करें। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करके जाएं। और एक बात, जैसे कि बाहर आप देख रहे हैं कि कैसी सिचुएशन है, हर जगह कोविड कोविड कोविड, तो इस समय नेगेटिव न्यूज़ से दूर रहें, पॉजिटिव न्यूज़ देखें, सही न्यूज़ देखें। आप जितना कर सकते हैं अपने तरफ से ज़रूरतमंदों की मदद करें, अपने घर के सर्वेंट्स हो या ड्राइवर हो, जो भी हो, आपकी तरफ से छोटा सा ज़रूर मदद करें उनको, जिनको ज़रूरत है उनको ज़रूर जाके अपने दोस्तों को भी बोले, एक साथ ले जाकर उनके मदद करें। इस कोरोना काल में आप भी सेफ रहें, अपने घर वालों को भी सेफ रखें, आसपास जितने लोग आपके साथ जुड़े हैं उनको भी सेफ रखने की ज़रूर कोशिश करें। इसी मैसेज के साथ आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अगले वीडियो में आएंगे एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे मेंटली पॉजिटिव रहें और स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।